अखाड़ा में आज बात करेंगे लोकसभा में जारी अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा की, जिस पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर पूरे देश की नजर है। और साथ ही ये उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे और विपक्ष और पूरा देश सुनेगा। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा का आज आखिरी दिन है। कुछ घंटे बाद करीब 4 बजे, जैसा कि पीएमओ ने ट्विटर के जरिए चिन्हित किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। उम्मीद ये है कि पीएम मोदी अपने भाषण में मणिपुर की स्थिति और शांति बहाली में केंद्र सरकार की सक्रियता के बारे में भी सदन को बताएंगे। इसके अलावा भी पीएम के भाषण में कई सारे अहम मुद्दे शामिल होंगे। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 2 घंटे सदन को संबोधित करते हुए एक एक विषय पर खुल के बात की थी और तथ्य सामने रखे थे। मणिपुर पर भी उन्होंने खुलकर बात की। आज ये उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष पर करारा प्रहार तो बोलेंगे ही, पर प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं 2024 का ट्रेलर भी सदन के जरिए पूरे देश को दिखाएंगे। 2018 के मुद्दे थे जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, अब इन मुद्दों पर बोल सकते हैं विपक्ष के आरोपों के जवाब। कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं का उत्पीड़न, कांग्रेस के समय हुए दंगे, विपक्षी गठबंधन, ये सारी बातें इस पर प्रधानमंत्री फोकस कर सकते हैं। सिख दंगों के बारे में, किसानों के बारे में, और कहीं ना कहीं इतिहास की पृष्ठभूमि भी सामने रख सकते हैं कि मणिपुर जो है ये कल परसों की बात नहीं है, ये सालों से चली आ रही एक वहां पर गतिविधियां हैं, जिसको कि पिछले 6-7 साल में इस मोदी सरकार ने उनके कार्यकाल में काफी ज्यादा अंकुश पर लगाया था, लेकिन फिर से ये अपवाद वहां पर शुरू हुआ है। तुष्टिकरण, इस पर भी बात कर सकते हैं। भारतीय सेना को किस तरह से सबल किया है, भारत के बॉर्डर्स को कैसे सुरक्षित किया है, उस पर भी बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में जो विकास हुआ है, प्रधानमंत्री करीब 50 बार अपने 9 साल के कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट का दर्शन कर चुके हैं, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि इससे पहले भी जब मणिपुर में अलग अलग ट्राइब्स के बीच में विवाद हुआ, तब विपक्ष, जो आज विपक्ष में बैठा है, जो उस वक्त सत्ता में थे, उनकी किस तरह की भूमिका थी, इस पर भी काफ़ी सारी बातें हो सकती हैं। क्या ये उदाहरण वो सामने रखेंगे, राहुल गांधी के भाषण पर क्या जवाब देंगे कि भारत के टुकड़े किए हैं, भारत का हनन किया है, भारत की का इसको जो सदन से इन वक्तव्यों को जो अब एक्सपंज कर दिया गया है, क्या उस पर भी क्या टिप्पणी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या अपने कार्यकाल में हुए काम पर बात करेंगे, सौहार्द की बात करेंगे, एकता की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 1993 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, राजकुमार दोरोंदो सिंह मुख्यमंत्री थे, नागा और कुकियों के बीच में उस वक्त दंगे हुए थे, 750 लोग मारे गए थे, 200 से ज्यादा चोटिल हुए थे, 45,000 को रेफ्यूजी कैंप, शेल्टर कैंप्स में भेजा गया था, और करीब 1.5 साल तक मणिपुर में ये झगड़ा शुरू चला था। उस वक्त सदन में सिर्फ एमओएस राजेश पायलट ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके अलावा ना प्रधानमंत्री बोले थे ना गृह मंत्री बोले थे।